सोलन में विश्वकर्मा अनुयायियों द्वारा पूजा अर्चना एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन के देहू घाट मोटर मार्केट सहित अन्य कारीगरों ने भाग लिया। इन कारीगरों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना कर उनकी आरती भी उतारी। इस दिन कारीगर अपने औजारों की पूजा करते हैं व पूजा करने के बाद इन औजारों से कोई काम नहीं करते। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ही औजारों के रचयिता थे। उन्होंने ही सोने की नगरी माने जाने वाली लंका का निर्माण किया था। विश्व की महान कृतियों को बनाने का श्रेय विश्वकर्मा को ही जाता है। इस अवसर पर सोलन के कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। विश्वकर्मा दिवस दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, ताकि कारीगरी का काम करने वाले के कार्य में सुख समृद्धि बनी रहे। ओम प्रकाश शास्त्री ने बताया कि विश्वकर्मा दिवस हर वर्ष कारीगरी का काम करने वाले कारीगर दिवाली के दूसरे दिन मनाते हैं। इस दिन औजारों की पूजा की जाती है व विश्वकर्मा को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा की पूजा अर्चना पुरातन काल से चली आ रही है और कारीगरी का पेशा करने वाले सभी लोग इस दिन केवल अपने औजारों की पूजा करते हैं और विश्वकर्मा से उनके कार्य को अच्छी तरह पूर्ण किए जाने की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन औजारों का प्रयोग करना निषेध माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, और इस विश्वकर्मा की जो पूजा की जाती है, ये पूरे के पूरे इंडस्ट्री कारोबार मशीनरी और निर्माण कार्य से संबंधित विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, ठीक है। और विश्वकर्मा के दिन सारे के सारे संस्थान जितने भी मशीनरी से संबंधित होते हैं, कारोबार से संबंधित होते हैं, निर्माण कार्य से संबंधित होते हैं, उन शस्त्रों की पूजा, मशीनों की पूजा की जाती है, जिससे कि पूरे पूरे वर्ष में सबकी सुख शांति रहे और कारोबार का की वृद्धि होती रहे। और इस वृद्धि के साथ साथ जो कारोबार वृद्धि होती है, विश्वकर्मा के दिन सारे के सारे जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो सारे मिल करके इस दिन को बड़े खुशी के साथ विश्वकर्मा भगवान का पूजन करते हैं। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।